नमस्कार, मैं अजय। आज तारीख होगी 20 और चुनावी माहौल बिल्कुल सज भी चुका और कहीं ना कहीं लहर बनती जा रही, चाहे वो प्रतिद्वंदियों की हो, चाहे वो कैंडिडेटों की हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो, लेकिन उसी की 20 की कड़ी है सांझा उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश, यानी चर्चा का विषय बनते जा रहे। सर नमस्ते। नमस्ते जी, आपके चैनल दर्शकों का स्वागत है। मैंने लोगों से राय ली शहर के अंदर आके, तो मैंने पूछना काम किया कि भैया वोट आपके पास क्या माहौल बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम जो नया कांग्रेस का कैंडिडेट है, उम्मीदवार सांझा उम्मीदवार है, हम उसको जानते नहीं है, तो प्लीज़ जब एक बार दोबारा बताना काम करो कि आपका परिचय दे दो ताकि लोग जान जाएं और लोगों को असमंजन ना रहे, फिर उल्टे वो ना सोचना काम करें कि हमारी मजबूरी बनेगी। देखो अजय भाई, पिछले 10 साल से 14 मैं 1 लाख रुपये की नौकरी छोड़ के आया था 6 साल पहले, और 14 से मैं लगाया हुआ हूँ। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके लिए मैंने रोड पर आंदोलन ना किया हो, प्रशासन की दरखास्त ना दी हो, और मैं बैंक में तो संडे की छुट्टी होती थी, 14 साल में मैंने कोई छुट्टी नहीं दी। अब भी नहीं जानते तो मुझे ये अफसोस है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ गया, किसी भी जाति का आ गया, किसी भी धर्म का आ गया, लगातार उसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन मान लिया नहीं जानते। तो अब मैं सभाएं कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सब अपने 31 वार्ड और 31 गांव है। हाँ जी, तो कितने तूफानी दौरे शुरू हो चुके, क्या लोगों का माहौल बन रहा है और किस प्रकार की गतिविधि आज चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगी आने वाले वक्त के लिए 5 तारीख के लिए? देखो, हम सुबह शाम शहर में जाते हैं, व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट करते हैं, दिन में गांव में जाते हैं, 1/3 हल्का तो अभी कवर कर लिया, 2/3 बचा हुआ है, और 2 महीने तो मैंने कोई पार्क नहीं छोड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ था जो नगर परिषद में, और डॉक्टर बाबा का मर्डर हुआ उसके लिए 1 महीना आंदोलन किया, मनोज यादव खिलाड़ी था उसके लिए 1.5 महीना आंदोलन किया, हर बस्ती में जाके जलसे जुलूस किए, तो ये कुछ नीच स्वार्थी तत्व रूमर फैला रहे हैं कि भाई लोग उसको जानते नहीं। कोई भी किसी पार्टी का, हालांकि हमारी कांग्रेस पार्टी है जो हमारा समर्थन करती है, वो हमारे किसान आंदोलन में आते थे, मजदूर आंदोलन में आते थे, इसके अलावा हमारे अलावा कोई भी पार्टी कभी भी मैदान में नहीं आई। अगर विपक्ष की भूमिका निभाई है तो हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। और जब चुनाव क्या रूप ले रहा और आपका प्लान क्या तैयार हो रहा है? देखिए, गांव में जा रहे हैं तो लोग भारी स्वागत कर रहे हैं, आज हम गए लोग ट्रैक्टरों का काफिला लेके जो है आए हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो गया, तो 36 बरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, इसी तरह मनेरू में, इसी तरह कल सांगा में गए थे, बड़ा भारी, और कोंट में गए थे, बड़ा भारी जन समर्थन मिल रहा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि 36 बरादरी के लोग चट्टान की तरह हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़े, यही हमें विश्वास देता है, और मेरी अगर कोई ताकत है तो 36 बरादरी का भाईचारा मेरी ताकत है, और ये जन शक्ति जो है ये धन शक्ति का मुकाबला करेगी और लोगों की फतेह होगी। साहब, आपने काफ़ी आंदोलन किए हैं, काफ़ी बेसहारा लोगों को सहायता की है, काफ़ी लोगों के आप आवाज़ बने हैं, तो क्या आप इस छोटी काशी की आवाज़ बन पाएंगे या लोग विश्वास जता पाएंगे कमल साहब, कि आपको क्या लगता है कमल साहब? तमाम साहब आपने बहुत की कमल साहब। देखिए, छोटी काशी या मिनी क्यूबा, भिवानी की जनता बहुत बहादुर जनता है, और आज़ादी के आंदोलन में पंडित नेकीराम शर्मा ने इस इलाके को जागरूक किया था, और मुझे विश्वास है कि ये जो भाईचारा है हमारा, ये एक बार खराब कर दिया था इन ताकतों ने, विभाजन पैदा कर दिया था, ये दोबारा से एकता बनेगी, और हम तमाम समस्याएं हैं जो, चाहे वो नागरिक सुविधाएं हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्या, किसानों की, महिलाओं की, हमारी टॉप प्रायोरिटी शहर को सुरक्षा देने की होगी, शुद्ध पीने का पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, गांव में पीने का शुद्ध पानी मिले, किसानों का सिंचाई के लिए, अस्पताल ठीक चले, हमारा मेडिकल कॉलेज, और जो 2 लाख पद पड़े हैं महकमों वो भरे जाएं, पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, और ये जो PSL और सहारा के लोगों ने और चिट कंपनियों ने जो फ्रॉड कर रखा है हमारे लोगों के साथ, एक एक पैसा उसका वसूल करेंगे, और बड़ा कारखाना कोई लगे हमारे बच्चों को रोजगार के लिए,
इसके लिए हमारी प्राथमिकता होगी। हम सब जिस प्रकार से एक महीने दो दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो आई थी, वो वीडियो थी, फोटो थे, जो वर्तमान के विधायक वो सुते पड़े थे और दुष्यंत चौटाला जी वो आकर बैठे भाषण दे थे, पास सो रहे थे, तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि जो 20 साल का जो जड़ फैली हुई है इस बड़गड़ की पेड़ की, वो कामरे रोम प्रकाश या उनकी टीम है या जो आपकी कम्युनिस्ट है या आप कांग्रेस गठबंधन है, ये उखाड़ पाएगा कमर से? देखिए, वो लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया उसने, उपेक्षा की। आप देखिए नगर पालिका में, नगर पालिका का पैसा बैंकों में जमा था उसको ही उड़ा ले गए, सारी सार्वजनिक लेटरिन को तोड़ के अपनी दुकानें बना ली, और तालाबों की, मंदिरों की, और जो हमारे लालाओं के निवास पुराने PID बदल के उन पर गणे कब्जे कर लिए, भूमाफिया पैदा किया इस शहर में। और अब मुझे अफसोस ये है, एक शब्द भी उसने नहीं बोला इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई सजा उनको हुई नहीं, और अब उनको साथ लेके लोगों से वोट मांग रहा है, मुझे अफसोस है। तो इसलिए लोग तंग आ चुके हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। जिस प्रकार की तंगी की चैन है, तंगी की बेड़ियां है, टूटेंगी आपकी बारे? बिल्कुल 100% मेरे भिवानी की जनता करवट लेगी और एक बेहतर भिवानी बनाने के लिए, और इसमें जनता के बीच में रहने वाले के लिए यह आशीर्वाद हमारे को देगी जनता, और हम जनता के बीच में रहेंगे। कमल साहब, जिस प्रकार से आप कांग्रेस के कम्युनिस्ट के संसद उम्मीदवार है, तो कोई आपके प्रदेश के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता कोई आपके लिए कोई अगुवाई करने या कोई प्रोग्राम करने के लिए आएंगे कि बता देना, काम करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, और धनाणा में भी रैली में हमारे जो युवा नेता है भूपेंद्र हुड्डा, उसने कहा है कि भाई भिवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, भिवानी से कामड़ो खास को हमारे प्रत्याशी कामयाब कर। कमल, जिस प्रकार से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया कमल साहब, जिसके अंदर आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या लगता है कि आपको इस चीज़ के अंदर और इस शहर के लिए ये फायदा होएगा सर? देखिए, उसमें कई चीज़ें हैं। एक तो 6,000 रुपये जो है बुढ़ापा पेंशन है, और 300 यूनिट बिजली खरीद है, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, और ये जो इन्होंने 10 साल तक परेशान रखा लोगों, परिवार पहचान पत्र के लिए, उसको हम हटाएंगे, पोर्टलों को हटाएंगे, 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा ये रखा है, 100-100 गज के, 50-50 गज के गरीबों को प्लाट मिलेंगे, और भी बहुत सी महिलाओं के लिए, प्रत्येक महिला को जो मुखिया है उसको हर महीने 2,000 रुपये हमारी सरकार देने जा रही है, और निश्चित तौर पर भाजपा को लोग हराएंगे, और कांग्रेस गठबंधन की सरकार हरियाणा में आ रही है, एक बेहतर भिवानी जो हमारे वंशज नीमपाल सिंह, हमारे BD गुप्ता जी, और हमारे पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी बंसीलाल के जो आदर्श थे, उसको हम भिवानी में लागू करेंगे, 36 बरादरी की एकता बनाएंगे। भिवानी एक नई करवट लेगा। हम कमल साहब, जिस प्रकार से आपने भूमाफिया का जिक्र किया, तो कमल साहब आप जिस तरह बनते हैं विश्वास होते हैं, तो भूमाफिया ऊपर आप कोई ऐसा काम सिस्टम लगाने काम लगाम लगाने काम करेंगे, या फिर उनको ऊपर क्या सुरक्षा काम करें, बताने काम करें? देखिए शहर बहुत मौके चीज है। देखिए, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, ठीक है, जनता हमारी 36 बरादरी की ईमानदार है, कमा के खाने वाले लोग हैं, कुछ लोग जो मुफ्त का खाना चाहते हैं उसमें जनता का सहयोग लेके पूरा अंकुश लगाएंगे। शहर में गुंडागर्दी, फिरौती, डकैती, चोरियाँ, उस पर अंकुश लगाएंगे, दुकानदारों को और हमारी महिलाओं को पूरी सुरक्षा देंगे। जी, आप आए हैं साथ में यहाँ, तो किस प्रकार चुनाव देख रहे हैं संजय भाई, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि आपका गाँव बड़ा गाँव है और ब्राह्मण क्षेत्र कहलाता है, तो बताना काम करें, क्योंकि आज ब्राह्मण भी साथ में है और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, तो क्या कहेंगे भाई? ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ये 36 बिरादरी इनका जो नेचर है ना, उससे प्रभावित है, इनका नेचर बहुत बढ़िया है। इनके साथ हर आदमी जिसके पास भी हम जाते हैं, वो अपने पहले से ही तैयार बैठा हुआ, लोग जुड़ रहे हैं, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर जो टिकटारती थे हमारे साथी, वो सब इनके साथ लगे हुए हैं, दिन रात एक के हुए, आज भी सारे थे, अब भी इधर उधर इसी काम में लगे। जी सर, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? कॉमरेड ओम प्रकाश जी, इंडिया गठबंधन के बहुत ईमानदार, जुझारू, मेहनती, संघर्षफुल कैंडिडेट है, और शहर में और गांव में, भिवानी विधानसभा में 31 वार्ड है और 31 गांव है। दिन के समय गांव में हम जाते हैं कन्वेंशन के लिए, आज जहां जहां हम जिन गांव गए, बहुत ही डोर टू डोर प्रोग्राम भी किया है, और नुक्कड़ सभाएँ भी की है, बड़ी सभा भी हुई है, लोगों का 36 बरादरी का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है,
और लोग यूँ चाहते हैं कि बीजेपी से किसी तरह छुटकारा मिले। वास्तव में ही लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली 5 अक्टूबर को वो हथौड़ा, दराती और सितारा के निशान पर बटन दबाएंगे और बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाएंगे। साहब एक लास्ट सवाल आपसे, साहब जिस प्रकार से भिवानी का चुनाव आपने काफ़ी वर्ष देखा और इन्होंने देखा हुआ है, तो हमारा जो भिवानी चुनाव जाति के आधार पर आते आते बढ़ जाता है। कमल साहब अब की बार जातियों की बेटियाँ हैं, ये भिवानी साहब तोड़ पाएगा, किस प्रकार की बात करेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने के साथ साथ मेरा प्रयास ये होगा, मेरे जो पंडित नेकीराम शर्मा आदर्श हैं और बी डी गुप्ता जी, भिवानी में चुनाव के साथ साथ जातिगत बेड़ियां तोड़ के दिखाएंगे। इस बार हमारी जनता का सहयोग मिलेगा, यहाँ जाति पाति नहीं चलेगी, मुद्दे चलेंगे जनता के, रोजी रोटी के मुद्दे, नागरिक सुविधाओं के मुद्दे, कानून व्यवस्था के, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे और हमारे बच्चों का भविष्य के मुद्दे, ये इस बार चुनाव में चलेंगे। और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि इस बार भिवानी नई दिशा देगी पूरे हरियाणा को और पूरे देश को। तो हम कह सकते हैं कि जो बोमा पिया है उनके ऊपर अब एमएलए बनते तो नकेल किसने, पहले आप ये करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल, नाजायज कब्जे किसी पर नहीं होने, नहीं होने, नहीं होने। चलो, थैंक यू कैमरा साहब। हाँ, थैंक यू जी, आप इस तरह चलते रहें, आपका भी हम मिलते रहेंगे। एक आप कह रहे थे 20 साल की जड़ें, जड़ें कौन है? जड़ें पब्लिक है जो वोट, अब वो जड़ें नहीं है, लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। 20 साल का नहीं भाई, 15 साल से वो एमएलए, आपने 20 साल पूछा कमेंट साहब, 15 साल से एमएलए हैं। पहली बार हार चुके हैं, जड़े जो एमएलए बना है तो 15 साल से बना है, और जड़े पब्लिक है, पब्लिक का रुझान इनके नेचर के हिसाब से, इनका जो व्यवहार है, ये लोगों की आवाज पहले से ही बनी हुई, जो समस्याएं हैं ये पहले, इनको पता थोड़ी था मुझे टिकट मिलेगी, टिकट मिलने से पहले ही लगे हुए थे लोगों के साथ, तो लोग इनके साथ जुड़े। एक आप ईमानदार पत्रकार हैं और एक स्वाभिमान का नाम ओम प्रकाश कॉमरेड है, ये एक काबिल तारीफ है और ये भिवानी को नई दिशा चमका देंगे, ये हमारा विश्वास है। इतना ईमानदार आदमी 90 पे भारी पड़ेगा, 90 भारी पड़ेगा, यस। चलो सर, हमारा भिवानी इतिहास लिखेगा, इतिहास लिखेगा। अजय भाई नमस्कार। नमस्कार सर। और भिवानी की जनता को भी, मतलब भिवानी हल्के की सभी जनताओं को मैं बधाई देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन का जो उम्मीदवार भिवानी को दिया है कॉमरेड ओम प्रकाश जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी और फख्र की बात तो ये है, कॉमरेड ओम प्रकाश जैसा जो उम्मीदवार है पूरे हरियाणा के अंदर 1310 आदमी चुनाव लड़ रही है, हुड्डा साहब के बाद में इनकी जो क्वालिटी है, ये मेहनती हैं, संघर्षशील है, इन्होंने सदा जीवन में संघर्ष किया, गरीब आदमी की इन्होंने मदद की, उसमें किसान आओ, मजदूर आओ, नौकरी वाला आओ, दुकानदार हो, यानी कि गरीबों के मसीहा है ये, और इनको मेरे भिवानी हल्के के हर समस्या से ये बिल्कुल अवगत है, यानी सख्त जरूरत है भिवानी की जनता ने ऐसे उम्मीदवार की, ऐसे आदमी की सख्त जरूरत है। और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि ये कॉमरेड ओम प्रकाश जी मोटरसाइकिल पर चलने आदमी है ना, यो इसने भिवानी की जनता बड़ा खुश होकर बनाएगी। एक छोटी सी बात बताता हूँ अजय भाई, हम ग्रामीणांचल के आदमी हैं, हमने पीने के पानी के लिए नांगड़ गांव लगाओ, उमरावत लगाओ, धारेड़ लगाओ, मेरा गांव अजीतपुर है, मानेरू है, गोरीपुर है, जब हमने इस जो हमारा स्थानीय जो विधायक है, यो जो पिपल बनया है, वो बड़ बनया है, यो बड़ बनाने वाले भी हम हैं, और ये हमने चलो इसको मौका दिया था, हमारा भी वो बच्चे से भी था, उसके भाग्य में जो चीज थी, लेकिन आज जो है ना, हमने जो पीने के पानी के लिए हमने इसके इसके घर में जाना, अल्लाह को बचाना, तो उस चीज़ का जो पीने का पानी, सिंचाई का पानी का तो बहुत बड़ी बात है, हमें पीने के पानी की बात करो, शहर में पीने के पानी की जगह जो है ना सीवर का पानी आने लग रहा है, जब ये हमारा जो विधायक है ये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, कोई स्कूलों की व्यवस्था है या कोई हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था देखो आप, मतलब क्या, मतलब हमारे शहर का, मतलब भिवानी शहर को गाँव से भी बदतर हालत बना रखी है। ये अगर किसी भाई ने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों को ये कह रहा हूँ, मैं रात को बुला लो, दिन में बुला लो, अगर मैं कोई बात झूठी कही है तो मैं उस बात का स्वयं जिम्मेदार हूँ। और अजय भाई, आपकी वीडियो लंबी हो रही है, मैं कम शब्दों में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि भिवानी का सौभाग्य, किसी टाइम में भिवानी जो तो आप बता रहे थे जो छोटी काशी थी, उस छोटी काशी का जो सपना था, उस छोटी काशी का सपना हमारा भाई कॉमरेड ओम प्रकाश जी 100% पूरा करेगा। और इस भिवानी के अंदर एक बार कदे टाइम में बताते हैं
ये बलबीर ग्रेवाल जी को जो है एक बार विधायक बनाया था और उसके बाद जो बस में जाके चंडीगढ़ जाया करता। हम आज भी उस बात को मैं जब छोटे थे जब की बात है और मतलब हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा कि भाई एक साइकिल चलानी आदमी और एक विधायक बनाया है और वो विधायक जो है ना यो विधायक के साथ साथ ही यो तो संघर्ष करेगा और भिवानी की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं चाहे वो शिक्षा की बात करो चाहे वो स्वास्थ्य की बात करो चाहे वो खेल की बात करो चाहे खिलाड़ी की बात करो मतलब हमें 100% इस बात का वो है। और ये भाई ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं है इसके पास मतलब देखो हम तो इस बात को भिवानी की जनता को भी पता है इसका चुनाव कॉमरेड ओम प्रकाश जी का चुनाव ओम प्रकाश चुनाव नहीं लड़ते इसके बाद पैसे होते तो 50 गाड़ियों का काफला जाता 70,000 आदमी इसके पीछे पीछे चलते। कॉमरेड ओम प्रकाश का चुनाव हम जनता लड़ रही है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस बात का पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली 5 तारीख में कॉमरेड ओम प्रकाश जी को हरियाणा के सबसे ज्यादा मतों से हम विजयी बनाएंगे। वोट मारे बनानी है हम जनता कॉमरेड साहब 5 विधानसभा कॉल करो के नेता मंडल ढूंढा है कार्यकर्ता मंडल ढूंढा है और मैं ऐसा व्यक्ति अपना ढूंढूँ। देखिए भाई ये तो अजय भाई आपका बड़प्पन है और आप समय समय पर कवरेज देते रहते हो और जनता की जो आवाज़ है वो लोगों के बीच में पहुंचाते रहो इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं और शुक्रिया करो। चलो थैंक यू सर। ठीक है तूफानी दौर है आप एक मिनट पूरी करो। अजय भाई एक बात और है कॉमरेड जी के साथ हमने जो है भिवानी की जनता को ये बताने की जरूरत नहीं कॉमरेड ओम प्रकाश भिवानी की जनता कॉमरेड ओम प्रकाश जी को पहले से जानती है ना हमने निशान बताने की जरूरत नहीं तो 15 दिन में तो निशान का बेला लपाटा करेगा कि भाई हाथ का निशान की जगह हमें भी पता है भैया थोड़ा से दाती है सितारा है और जो मशीन आएगी उस मशीन में सीरियल नंबर 2 पे है तो हमने वो चीज़ तो बतानी नहीं। बताने का मतलब ये है कि भाई इस ओम प्रकाश कॉमरेड को भिवानी की जनता शहर की नहीं गांव के लोग भी इनको बाई नेम जानते हैं और कॉमरेड ओम प्रकाश जी देहाती जो लोग हैं देहात है शहर है 70% लोगों को तो नाम से जानते हैं तो नाम से जानने का मतलब इस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा। दूसरी चीज़ और बताता हूँ इस कॉमरेड के पास गरीब आदमियों का वोट है और जो वो गरीब आदमी अपने घर से 5 तारीख को सुबह अपना दीवा बत्ती लगा के और धरती पे और सीरियल नंबर 2 पे जो भी निशान बताया मैंने आपको दोबारा बताऊं बोलो तो उस पे जो है ना धूप बत्ती करके 5 तारीख में कॉमरेड ओम प्रकाश के निशान बटन जो है वो दबा के आएगा और इतनी बड़ी जीत होगी विजय मतलब अजय भाई मतलब शायद मतलब इस बात का इतिहास रखेंगे। चलो जी चुनावी कैंपेन है टाइम इनके पास भी इतना है टाइम मैंने भी इतना मिला 10-12 मिनट में टाइम दिया आपने धन्यवाद आपका। तो जी ये वास्तविकता बात है ये लोगों की आवाज़ बन रही कि जिस जिसको शहर बचाना है जिस जिसको शहर देखना है तो वो देख सोच समझ के वोट देने का काम करेगा कि जरूरी है। इन्होंने बताया भूमाफिया जिक्र किया भिवानी की हालात का जिक्र किया भिवानी के पानी की व्यवस्था जिक्र किया भिवानी की सारी चीज़ों का जिक्र किया यानी जिक्र नहीं की जरूरत है नहीं सभी को पता है कि इस शहर की व्यवस्था क्या है और क्या हो सकती थी लेकिन ये है कि अब सरकार नहीं बनेगी तो नई सरकार बनने के बाद नए काम नए आयाम इस शहर के लिए होने का काम होगा। तब तक की नुजी है JNC न्यूज से अजय नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।